हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज लेके आए हैं एक न्यू हेयर स्टाइल जिसमें हमको सिंपल हेयर कटिंग करनी है। आप मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हुए थे सिंपल हेयर कटिंग का वीडियो लेके आइए, तो आज लेके आए सिंपल हेयर कट। सब वीडियो को देखते रहिए। वीडियो पहली बार है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। सबसे पहले हमने पीछे से सिंपल हेयर कट स्टार्ट किया, वो भी हमको कैंची से करना है, मशीन नहीं लगानी है। तो हमने कंघी और कैंची की सहायता से बालों को काटना शुरू किया और बालों को पीछे से एक गाइडलाइन तैयार की। उस गाइडलाइन के सहारे कटिंग किया, जो पहले के कट किए हुए हैं उन्हीं के बालों पे काटना है। हमको कंघी को उठा के रखना है जिससे हमारे बालों में कट ना पड़े। कैंची और कंघी को एक साथ चलाना है, जितनी स्पीड कैंची की होगी उतनी स्पीड ही कंघी की ऊपर की साइड टेपर में रखनी है। अगर आप बीच में रुकोगे तो वहाँ पे कट पड़ जाएगा और हमारी कटिंग खराब हो जाएगी। बालों को ज़्यादा ऊपर तक लेके नहीं जाना है, कानों से थोड़ा ऊपर ही रखना है जिससे हमारी कटिंग खराब नहीं हो। अगली साइड से काट रहे हैं हम, पहले एक साइड से क्लियर करेंगे। कान को बचा के रखना है, कान को आप तो हाथ से दबा सकते हैं या कंघी की सहायता से भी कान को दबा सकते हैं। एक साइड में आ जाते हैं और कान को नीचे दबा के कान को हमको बचा के रखना है। हमारा कट नहीं पड़ रहा है, एक लेवल में बाल कट के आ रहे हैं। हमको कंघी को आगे टेपर में उठा के ही रखना है, अगर नीचे करोगे तो कट पड़ेगा और हमारी कटिंग बिल्कुल मैच नहीं खाएगी। अगली साइड आ जाते हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही पहले जो गाइडलाइन है बीच में से बाल कट किए थे वहाँ से ही हमको उसी गाइडलाइन के बराबर ही बाल कट करने हैं। हमको छोटे बड़े नहीं करने, उस गाइडलाइन से अगर दूसरी जगह कट लेगा कहीं उधर से तो कैंची से ही पूरे बालों की कटिंग करेंगे, हम कहीं भी मशीन नहीं लगाएंगे। अगले कान की साइड आ जाते हैं और कान को नीचे दबा के कंघी लगा के बालों को काटेंगे। हमें ऊपर तक जाना है और ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाना है जिससे हमारी कटिंग ख़राब हो। कान को बचा के काटना है। हमने कान को दबाया नीचे और कान बालों को कट किया। आप भी वीडियो को देख देख के घर पर सीख सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे कटिंग से रिलेटेड वीडियो पड़े हुए हैं, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है और वीडियो देख देख के आप कटिंग करना सीख सकते हैं। कृपया करके वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको समझ आए। अगर आप बीच में से देखेंगे तो आपको कोई भी पार्ट छूट सकता है। हमने बीच में थोड़े बड़े बाल थे वो दिखाई दे रहे, उनको कट किया और नीचे के बालों में मैच किया। पीछे से थोड़े थोड़े बाल दिखाई दे रहे हैं, एक्स्ट्रा उनको कट करेंगे और नीचे वाले बालों में मिक्स करेंगे। जो भी बाल दिखाई दे रहे हैं हमको लग रहा है कि यहाँ से मैच नहीं हुआ, वहाँ से बालों को मिलाया है। अब हम पीछे से बाल को काटेंगे, हमें कट लगाना है, बिल्कुल सीध में कट लगाना है जिसमें आपको कान को बचाना है जिससे हमारी पीछे की जो भी कत रखा है कान के बगल तो वो भी हमारा सीध में दिखाई दे, हमारा कान भी ना कटे। तो हमने पीछे से काटा और आगे ही
कान को दबा के ही कैंची से बाल को कान से ऊपर से काटें, इसमें ब्लेड लगाएंगे और बिल्कुल हमारा सफाई दिखाई देगी। बिना ब्लेड की बच्चों को रख सकते हैं जिससे कोई कटने का खतरा ना हो, लेकिन हम ब्लेड लगाएंगे जिससे ब्लेड से सफाई दिखाई देगी और कटिंग भी अच्छी लगने लगेगी। अभी वीडियो को देख के बाल काट सकते हैं। हम अगली साइड आ जाते हैं, इस साइड भी ऐसे ही करेंगे। अब हम आगे से बालों को ऊपर से एक सीध में बाल को उठाना है और फिंगर की सहायता से बाल को कट करना है। अब ये बाल बचे हुए उनको भी काटेंगे। हमारी फिंगर बिल्कुल सीधे बाल को उठा के ले जाना है ऊपर को और कैंची से ही बालों को काटना है। तो दूसरी साइड बगली की साइड आ जाते हैं, उसको थोड़ा दबा के साइड रखनी है जिससे हमारी नीचे की बालों में मैच खाए। हमने देखिए बालों को नीचे के बालों में मिक्स किया, थोड़ा बाल पीछे दिखाई देंगे, उनको भी ऐसे ही बालों में मैच करेंगे। फिर भी थोड़े बहुत बाल दिखाई देंगे, उसको बाद में मिलाएंगे। हमने एक सीधे बाल करके बालों को ऊपर से काटा। बहुत सारे मैच जाते हैं बाल ऊपर से काट कर हमारे मैच नहीं होते, लेकिन आप फिंगर में दबा के करेंगे तो सब बाल मैच हो जाएंगे। हमें आगे की साइड बालों को करके और उनको आगे से भी मैच किया, पर हम उसको अच्छी तरह से सफाई देंगे। कद को बचा के रखना है हमको और कान को भी बचा के रखना है। हमारा दोनों साइड एक जैसा आना चाहिए जिससे हमारे बालों में बिल्कुल सफाई दिखाई देगी। कान से थोड़ा ऊपर लेंगे और ब्लेड लगा के लगाएंगे। बच्चे को लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, क्योंकि बच्चे गर्दन को इधर उधर हिलाते हैं तो कटने का खतरा भी रहता है। आप आराम से ब्लेड लगा के करिए जिससे कटे ना और सफाई भी आ जाए। देखिए हमारे पीछे की देखते हैं, बिल्कुल क्लियर सफाई बालों में दिखाई दे रही है और कहीं भी कट हमारा दिखाई नहीं दे रहा। एक साइड से हो जाता है, अगली साइड ऐसे ही करेंगे। हम ब्लेड लगाएंगे और दूसरी साइड भी एक बराबर हमको खत रखना है, सकरा भी नहीं करना है, उनके बाल के अनुसार ही उनको रखना है। पतला करोगे तो बाल बच्चे के दिखाई देंगे और उनके लिए परेशानी रहेगी। हमने उस बाल के अनुसार ही चौड़ा रखा है और हमारी कटिंग एकदम अच्छी दिखने को है। ब्लेड से सफाई अच्छी आती है, हमारी कटिंग पूरी हो गई।